हेलो बच्चों, हमारा आज का अनुच्छेद है हम और हमारे त्योहार। लेकिन अनुच्छेद शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले पत्र, अनुच्छेद, कहानियां, कविताएं आपसे छूटने ना पाए। और अगर आप इंग्लिश में पैराग्राफ चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश एंड पैराग्राफ्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अनुच्छेद, हम और हमारे त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। ये त्योहार हमारे समाज और सभ्यता का दर्पण है। इनसे हमारे जीवन में उमंग, उल्लास और उत्साह पैदा होता है, और प्रत्येक त्योहार का अपना महत्व है। ये हमारे जीवन में आनंद का संचार करते हैं तथा लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारे देश में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। राष्ट्रीय त्योहार सारा देश मिलकर मनाता है। इस दिन सभी कार्यालयों में, विद्यालयों में अवकाश रहता है। राष्ट्रीय त्योहार तीन हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। दूसरे प्रकार के त्योहार हैं धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहारों में गणेश चतुर्थी, ईद, दुर्गा पूजा, बैसाखी, पोंगल, मकर संक्रांति, दिवाली, होली तथा दशहरा इत्यादि हैं। और ये सभी त्योहार अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। और भारत की विशेषता यह है, यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, फिर चाहे वो ईद हो या दशहरा, गुरुपूर्व हो या दिवाली। और यही हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है। और जब भी ये त्योहार आते हैं, अपने साथ ढेरों खुशियां और आशाएं लेकर आते हैं। लेकिन कुछ अनैतिक तत्व हमारी एकता को भंग करने का सदा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता से प्रभावित ना होकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी तथ्य पर सही निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद है आज का अनुच्छेद आपको पसंद आया होगा। और अगर ये आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।